बीप से पहले ही मैं पेट्रोल डलवा करके रखता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को मुसीबत में याद करने से अच्छा परमानेंटली याद करो। कितना सिंपल दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। ये फैक्ट है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ अपने युवाओं को, मेरे भाई बहन रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भगवान महादेव को जलार्पण करिए, एक हनुमान चालीसा में आपकी सब बातें आ जाती हैं। मैंने भी कहा कि रामचरितमानस दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ है, छपता है, उसके बाद सुंदरकांड। कुछ संतों का कहना यह है रामचरितमानस की डेफिनेशन, उसका विश्लेषण है सुंदरकांड, और सुंदरकांड का विश्लेषण है श्री हनुमान चालीसा। तो आप एक हनुमान चालीसा, ऐसे मैं तो ही कहता हूँ 11 बार, पूज्य मुरारी बापू जी कहते हैं 11 बार हनुमान चालीसा सबको करना।